हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं एक कप की मॉडलिंग, जो हम टी कॉफ़ी का कप देखते हैं उसकी मॉडलिंग करना। तो पहले इस क्यूब को डिलीट कर देते हैं। कप की मॉडलिंग के लिए सबसे पहले एक सिलेंडर लेते हैं, थोड़ी सी इसकी स्केलिंग कर लेते हैं। अब कप का मॉडल हमको पता है कि ऊपर से थोड़ा बड़ा होता है सर्कल, तो हम इसके एडिट मोड में जाके फेस सिलेक्ट करके इसको स्केल कर लेते हैं। तो एक बेसिक कप के शेप के टाइप का हो गया है। इसको थोड़ा हम जेड में भी स्केल कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हमको होलो करना है, तो होलो करने के लिए क्या करेंगे, हम ये जो फेस है इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे। जितनी थिकनेस का आपको कप चाहिए उतना इंसर्ट कर लो। अब इसके अंदर हमको होल करना है, तो होल करने का सबसे अच्छा तरीका है, मैंने बताया था कि एक्सट्रूड जो होता है, आप अगर ई दबा के एक्सट्रूड करोगे तो ये ऊपर भी जाएगा और आप इसको नीचे ले जाओगे तो नीचे भी होल करेगा। अब जहाँ तक आपको होल करना है वहाँ तक आप इसको ले जाओ। अब इसकी स्केलिंग कर दो फिर से, वायर फ्रेम मोड में जाके मैं इसकी स्केलिंग डाउन कर देता हूँ ताकि ये बिल्कुल सेम थिकनेस का कप बन जाए। अब ठीक है, ये कप का बेसिक मॉडल तो तैयार हो गया है। अब इसकी जो हमको हैंडल होता है वो बनाना है। अब हैंडल बनाने के बहुत से तरीके होते हैं, तो बहुत ईजी से तरीका एक बताता हूँ। एडिट मोड में जाके जैसे हमको इतना लेंथ का हैंडल चाहिए, तो इसको मैं कंट्रोल आर से इसको लूप कट कर देता हूँ, जितना बड़ा हैंडल चाहिए उतना, मान लो इतना बड़ा चाहिए। फिर इस फेस को, किसी भी एक फेस को सिलेक्ट करके हम, या एक फेस या दो फेस, आपको जितना मोटा हैंडल बनाना हो इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। अब देखो इसमें जो होल बनाना है अपने, तो इसको पहले मैं ग्रैब कर लेता हूँ जेड में, और मैं यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से ग्लोबल में नॉर्मल कर लेता हूँ, ताकि मैं इसको थोड़ा बहुत रोटेट कर पाऊँ मेरे को जहाँ पर करना है। तो जैसे मेरे को यहाँ से थोड़ा इसको रोटेट करना है, और इसको थोड़ा सा ग्रैब भी कर लेते हैं बाहर की तरफ। अब इसके अंदर जो होल करना है, ठीक है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि इन दोनों फेसेस को सिलेक्ट कर लो और इंसर्ट कर दो। इंसर्ट करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ ताकि यहाँ से ज़्यादा गैप नहीं रहे, और फिर इन फेसेस को डिलीट कर देते हैं एक्स दबा के फेसेस। अब देखो ये होल तो हो गया, बट ये होलो है अंदर से, हमको इसको सॉलिड करना है। तो एज मोड में जाके आल्ट के साथ ये वाला लूप और ये बाहर वाला लूप दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई ब्रिज एज लूप्स, तो इससे के फिल हो गया। अब देखो अभी ये कप तो बन गया, इसको देखो जब मैं सब डिवाइड करूँगा तो इसके शेप में आ जाएगा। देखो जितना ज़्यादा आप टू में इतना सेटिस्फाई नहीं, थ्री कर दो। अब देखो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही, जैसे ये अंदर इस टाइप का अजीब सा शेप बन रहा है, बाहर की एजेस भी चले गई, तो वो बस इसलिए क्योंकि हमने क्या किया, किसी भी एज को बेवल नहीं किया है। तो हम अगर जैसे बेवल करेंगे, देखो एडिट मोड में जाके ये ऊपर की जो दोनों एजेस है, तो उसके पहले मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ ऑल ट्रांसफॉर्म। तो कंट्रोल ए दबाएंगे, ऑल ट्रांसफॉर्म अप्लाई हो गए, तो उससे क्या रहता है बेवल वगैरह करने में, अब वो सही से, क्योंकि हमने इसकी स्केलिंग करी थी तो उसके हिसाब से वो गड़बड़ हो जाती है। इन दोनों एजेस को सिलेक्ट करके बेवल कर लेते हैं। देखो जैसे बेवल करना स्टार्ट हुआ, और मैं स्क्रॉल करके इसको राउंड कर देता हूँ, तो ये इसके शेप में आ गया ऊपर से। अब ये नीचे से जो प्रॉब्लम हो रही है ये भी सेम है, आप नीचे की जो दोनों एजेस है तो इसको सिलेक्ट किया, अभी अंदर वाला लूप अभी सिलेक्ट नहीं होगा, अगर आप क्लिक भी करोगे ना तो नहीं सिलेक्ट होगा क्योंकि वो अभी सॉलिड मोड में। इसके लिए वायर फ्रेम मोड में जाके अंदर वाला लूप और बाहर वाला लूप ऐसे सेलेक्ट कर लो, इसको भी हम बेवल कर देते हैं। अब इसको जितना आपको इसकी शार्पनेस चाहिए उसके हिसाब से बेवल करके, ये हमारा बेसिक शेप। अब ये जो थोड़ी लाइंस दिख रही है इसको आप शेड स्मूथ कर दो तो ये लाइंस चली जाएंगी, ठीक है। एक ईजी सा कप का मॉडल बन गया, और इसको अगर आपको कलर्स करना है या जैसे भी टेक्सचर करना है तो रेंडर्ड मोड में जाते हैं। इसको हम एक मटेरियल दे देते हैं, न्यू मटेरियल, और यहाँ से मैं सीन वर्ल्ड को अनचेक कर देता हूँ ताकि हमको कलर अच्छे से दिखाई दे।
रफनेस की पूरी डाउन कर देते ताकि थोड़ा जो शाइन आपको दिख रहा है शाइन लुक आ जाए ना, थोड़ा चीनी के कप होते उस टाइप से। और आपको जो भी कलर देना हो उसको कलर दे दो, ठीक है। ये एक बेसिक सा कप का मॉडल बनने, देखो कितना इजी है और परफेक्ट भी लग रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस ये मॉडलिंग बताना था। इस मॉडलिंग में क्या होता है कि छोटी छोटी जो चीज़ें हमने की है, जैसे एज ब्रिज एज लूप्स किया यहाँ पे लूप कट करके, ये सारी चीज़ें। तो जैसे हैंडल को बनाने के बहुत तरीके होते हैं, बट हमको ऐसा तरीका चूज़ करना है जिससे हमारा काम जल्दी से जल्दी हो, ठीक है। तो आई होप आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरा चैनल पिनव्हील एनिमेशन स्टूडियोज़। तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।